बेगूसराय के नागकोटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राजपुर डफरपुर के पंचायत भवन में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बाल संरक्षण समिति एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी नागकोटी निरंजन कुमार के आलोक में आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा की अध्यक्षता डफरपुर पंचायत की वयोवृद्ध महिला मुखिया सुनैना देवी के द्वारा की गई। इस दौरान पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे। मुखिया सुनैना देवी ने ग्राम सभा के दौरान आवास योजना, नल जल योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शौचालय योजना, राशन कार्ड सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवास योजना में जरूरतमंद लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। बैठक के दौरान कार्यक्रम समन्वयक प्रकाश चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायतों एवं सभी वार्डों में बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठन के बाद इसकी नियमित तौर पर बैठक कर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना है। पंचायत एवं वार्ड स्तर पर गठित किए जाने वाली बाल संरक्षण समिति की संरचना एवं कार्य दायित्व से संबंधित मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और इस मौके पर उप मुखिया राजकुमार सिंह सहित सभी वार्ड के सदस्य मौजूद थे। ग्राम सभा के दौरान कोविड-19 का पालन, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान मुख्य प्रतिनिधि रणजीत कुमार पंपम और गोपाल कुमार झा ने बैठक में मौजूद सभी सदस्य से कोरोना टीकाकरण करवाने के सहयोग करने की अपील की। नवकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।